शर्माने जान ब्याह ही प्योली बोले मैंने भी जान जोर से जा ब्याह दिखो तो मैंने भी जान भी जान जी दोस्तों कभी नहीं आएंगे अब यहाँ पर डोली के साथ में मैंने भी जान ही जोर से हाँ पकड़ यार बोले यार इक्की मरे इक्की मार अब तो पकड़ो मैं खुट बेटी ने मुन तला सो गाइस हम पहुंचने वाले हैं देखिए तो पहुंच चुके हैं पर अभी मंदिर के दर्शन नहीं हुए तो देखिए जनता पार्टी सबसे पीछे वाले हम ही हैं क्योंकि आपके आपके लिए हम इतना कष्ट करते हैं और आप वीडियो देख के छोड़ देते हैं बहुत गलत बात है उंगली मत दिखा डर जाएगी जनता बैच पाना तुम घर जान लगे तुम ही आ जाओ मैं अच्छा बम रही यार हम मरी ये हमारे बड़े भाई साहब पहले ही पता रहे हुए बहुत ही भयंकर हैं इनको हल्के में बिल्कुल मत लेना बेच ही देना रातों रात अरे भाई साहब सबसे बड़ा फैन भाई जो ये वाद्य यंत्रों की धुन आप सुन पा रहे हैं ये है ढोल और दमाऊ की जो कि पहाड़ की शान है पहाड़ की संस्कृति का प्रतीक हमारे ढोल और दमाऊ ढोल दमाऊ के साथ जो है उनका माणिकनाथ जी का बाजा बोलते हैं गढ़वाल में तो वो लगाया जाता है और उसके बाद जो है पशुआ जी पे श्री माणिकनाथ जी अवतरित होते हैं और सभी को आशीर्वाद स्वरूप मातम वितरित करते हैं तो यही यहाँ पर अभी चल रहे हैं अभी उनका जो है ढोल और दमाऊ के माध्यम से उनका स्मरण किया जा रहा है और यहाँ पर माणिकनाथ जी पशुओं पर अवतरित हो चुके हैं जो कि आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ का वातावरण आप प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण दिखाई प्रतीत होगा आपको बहुत ठंडा है और ये बांज के जंगल है सारे तो ठंड होना लाजमी है और यहाँ की खूबसूरती अलग लेवल की मेरे साथ मेरे दोस्त लोग बहुत बड़ी मात्रा में पहुँच तो सोचा सबको अपने साथ कैप्चर करके आप लोगों को दिखा दूँ तो ये देखो चारों तरफ कितना बेहतरीन दृश्य था बहुत ही अच्छा दृश्य था आपको कैसा लगा कमेंट में बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना
और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना भाई, हल्के में मत लेना। यही माणिकनाथ जी का मुख्य पर्वत है। इसी पर्वत पर माणिकनाथ जी की पवित्र गुफा है और वहाँ पर जो है माणिकनाथ जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। और मई के महीने में यहाँ पर सैकड़ों श्रद्धालु माणिकनाथ जी की गुफा के दर्शन करने और माणिकनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करने यहाँ पर बहुत दूर दूर से पधारते हैं और माणिकनाथ जी के दर्शन कर और आशीर्वाद लेकर अपने गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जगह जगह से बहुत सारे लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और कोई घर के लिए प्रस्थान भी कर चुके हैं। तो लगातार यहां पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। यहाँ प्रकृति की छाप कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ से घर जाने का मन नहीं करता, मन करता है यही ठंडी वादियों में ही अपना बसेरा किया जाए। कुछ लोग जो है माणिकनाथ जी का माथम लेकर घर की ओर प्रस्थान भी कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। असल में इन्होंने बहुत दूर जाना होगा, इस वजह से जल्दी घर की ओर निकल चले हैं, क्योंकि सारा जो है पैदल का रास्ता है और घर भी टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि ये बीच में जंगल का रास्ता है तो जानवरों का डर रहता है बीच में, तो समय रहते घर की ओर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। आज कल किचन है ना मैं बच्चा पोर में किया। अच्छा ठीक ठीक आप देख ली? तू देख ली ना, फोन थोड़ी नहीं देखना। कमान बोल किसी आ रहे हो? हेलो भाई जी, क्या हाल चाल? हाँ तगड़ी गाड़ी वाला। चॉकलेट वाला हमारा पिल के मास्टर कहाँ पहुँच गया? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कर देना वो लिया अपनी फोटो दे देख ला, कम से कम भी ताव लिया जाए अपनी वीडियो बनाना नहीं, मैं ही बना लूँ। हेलो जी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारे भाई छोटे भाई की भी सुन ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कंच लगनु या कह के बहुत अच्छा लगनु को। हेलो भाई साहब तुम कहां बैठे हो? बढ़िया। हां जी जा सर, ठंड लगनु ठंड लगनु कहां है? बढ़िया मैं यार अभी आऊं। अभी कहीं से लेते हैं देखा ब्लॉग। अगर इन्हीं की तरह प्राकृतिक छाया का आनंद लेना है तो आप भी यहाँ आ सकते हैं, सेम इसी तरह आप भी बैठे रह सकते हो पेड़ की छाव पर। तू नीलो दिखे हैं? कक जने यार, 65% छाया नहीं था। धीरे धीरे
हैं गोप्रो गोप्रो बहुत महंग यार है 40,000 सो कम रेंज में भी रन और इन्होंने शायद दूर जाना होगा इसलिए वो जल्दी घर की ओर चलने स्टार्ट कर दिए हैं और मुझे लगता है इन्होंने जो है एक दो महीने का पूरा अपना फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने के लिए फोटोज़ का तैयार कर लिया होगा और मैं भी करता हूँ। ये अपने फ़ोटो कैप्चर करने की बहुत ही शानदार जगह है, काफ़ी हाइट पे है और फ़ोटोज़ तो भाई साहब क्या बोल लें, बहुत ही बेहतरीन आती है यहाँ। और ये लड़के लोगों के परांठे तैयार, ये चाय की सर्विस चल रही है। ओए चाय दे बे, अरे खार दे यार पहले यार। ये जो है दिन का नाश्ता बोले खाना बोले, परांठे आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त बन रखे हैं भाई साहब। मजा आ गया है? मजा आ गया भाई। ये देखो हम भी खड़े खड़े परांठे का टेस्ट करते हैं कैसे हो रहा है। मस्त बैठ के खाते हैं, आपका मन भी कर रहा होगा ऐसे खाने का तो हमारे साथ अवश्य आए। अगली ट्रिप में हम आपको भी यही मौका देंगे, इसलिए बने रहें हमारे हर एक वीडियो के साथ। माणिकनाथ के ऊपर फील्ड में आएंगे जहाँ पर अभी हम खड़े हैं तो यहाँ से काफ़ी बेहतरीन दिखने को मिलेगा और आप बहुत ही अच्छा फ़ोटोशूट यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप अगर गुरु माणिकनाथ में आए तो इस फील्ड में को मिस ना करें। ये देखिए पीछे तक काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं यहाँ से। यहाँ आके ऐसे लगता है जैसे हम आसमान में आ चुके हों क्योंकि काफ़ी हाइट है यहाँ की और नीचे देखने में तो चक्कर आ सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं जाता, पीछे से ही देखता हूँ। आगे जाएंगे तो हमें डर लग सकता है, इस वजह से हम पीछे ही रहते हैं और कोई आगे जा रहा है ना तो खुद को डर लग रहा है। और अभी यहाँ पर ड्रोन शूट की तैयारी चल रही है।
आइए चले माणिकनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शन आपको करवाते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम बाहर से ही आपको गुफा के दर्शन करवा पाएंगे क्योंकि अंदर की फोटो और वीडियोग्राफी पूर्ण रूप से वर्जित है। जो भी माणिकनाथ जी के भक्त इस वीडियो को देख रहे हो वो एक बार कमेंट में जय गुरु माणिकनाथ जी अवश्य लिखें। बने रहें दोस्तों वीडियो के साथ और आने वाले टाइम में मैं माणिकनाथ जी की पूरी स्टोरी, इसको आप बोल सकते हैं इतिहास, कैसे वो यहाँ पर आए, कैसे क्या है इसके पीछे की कहानी, ये सब आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें जो है बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर लाइक तो ज़रूर कर लें। हम अभी सामने वाली चोटी पे आ रखे हैं, ये देखो नीचे जबरदस्त खाई है दोस्तों, ये आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, मोबाइल ना छूटे अगर। ये देखो एकदम से, अब आगे से आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमारा गांव वहाँ नीचे एकदम, तो यहाँ से एकदम खाई है और यहाँ हम ऊपर आ रखे हैं। आज का रात्रि विश्राम हमारा गुरु माणिकनाथ जी के धाम में ही है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हवाएं चल रही हैं, ठंडा भी हो चुका है और सूर्यास्त तो हो ही चुका है, थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है और अभी हमारे खाने की तैयारियां चल रही हैं। बाकी सभी लोग उधर हैं, तकरीबन 25 से 30 लोग यहाँ पर ठहरे हैं रात्रि विश्राम के लिए। तो अगर आप भी इस चीज़ का आनंद लेना चाहते हैं श्री गुरु माणिकनाथ जी की भक्ति के साथ, तो आप भी यहाँ पर ठहर सकते हैं। 31 मई को प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ पर यात्रा होती है, तो आप उस यात्रा में सम्मिलित हो सकते हो और यहाँ पर रात्रि विश्राम कर सकते हो। तो रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पर एक छोटा सा टीन का हॉल है, बाकी वहाँ पर दो छोटे रूम हैं, तो इसी में सारा एडजस्ट करना पड़ता है। और इसके लिए हम रात में ठंड ना लगे, क्योंकि यहाँ पर रात में ठंड भी अधिक हो जाती है, तो इसके लिए हम लकड़ियाँ जो है ला चुके हैं। और हमने वहाँ पर जो है आग भी जला रखी, तो चलिए आपको लिए चलते हैं उधर और दिखाते हैं आपको ये सारा दृश्य, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर। गढ़वाल ब्लॉग, गढ़वाल ब्लॉग, लेकिन ब्लॉग चल दू हिंदी में। हमारे सभी मित्रगण अपनी अपनी तरफ से यात्रियों की सेवा में लगे पड़े हैं, यात्रियों के लिए रात्रि के लिए रोटियां तैयार कर रहे हैं, सब्जी ये लोग तैयार कर चुके हैं, थोड़ी देर पहले लकड़ियां लेके आ गए थे ऊपर से, तो अभी आपके सामने जो आग जल रही है चूल्हे की, वो उन्हीं की बदौलत यहां पर जल रही है। तो सभी अपने मन से सभी यात्रियों की सेवा में लगे पड़े हैं। और दोस्तों अगर आप भी माणिकनाथ जी की यात्रा करें तो अपने साथ गर्म कपड़े वगैरह अवश्य ले आएँ, क्योंकि यहाँ पर रात्रि में काफ़ी ठंड होती है, तो आपको ज़्यादा ठंडा ना लगे तो गर्म कपड़े कंबल वगैरह अवश्य लेके आए अगर आप रात्रि को यहाँ पर विश्राम करें तो। दिन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर धूप तगड़ी रहती है, लेकिन रात्रि में आपको ठंड लग सकती है, इसलिए अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य लेके आए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रात्रि भोज स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर थोड़ा इस टाइम लाइट की व्यवस्था कर नहीं पाए क्योंकि थोड़ा बहुत कठिन हो गया यहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था उपलब्ध कराना। पहले के मुकाबले पहले हमेशा जनरेटर वगैरह आ ही जाता था, तो लाइट की कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन इस बार थोड़ा दिक्कत हो गई। चलो आगे चलो।
रात्रि विश्राम के बाद दोस्तों अभी मैं निकल गया हूँ घर की ओर, क्योंकि थोड़ी जल्दी जाना है। तो अभी मैं घर की ओर निकल चुका हूँ। रात ठंड से हालत ख़राब हो गई थी अपनी, तो तब तक के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।